और देखिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज देश भर में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक आज गंगा स्नान करने से करीब 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है और ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि गंगा अवतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी होता है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और अयोध्या से। और आप यहां पर देख सकते हैं कि गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ लोगों की, श्रद्धालुओं की आज के दिन, क्योंकि आज देश भर में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज देश भर में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक आज गंगा स्नान करने से करीब 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है और ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि गंगा अवतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी होता है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और अयोध्या से। और आप यहां पर देख सकते हैं कि गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ लोगों की, श्रद्धालुओं की आज के दिन, क्योंकि आज देश भर में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है।